Good morning. Very good morning, students. So I am so happy. A lot of you send me the crossword puzzle. तो मैं नाम लूंगी जिस जिसने होमवर्क करके भेजा है, ताकि उन सब के लिए आप क्लैप करोगे, ठीक है ना? संगीता देवी, वेरी गुड, कीप इट अप, क्लैप फॉर संगीता देवी. ऑल राइट, देन बेबी शाह. बेबी शाह, थैंक यू फॉर सेंडिंग. आपके उनके लिए भी क्लैप कीजिए. सब लोग जूम में क्लैप कीजिए उनके लिए. रेखा कुमारी, रेखा कुमारी जी ने भी भेजा है होमवर्क, और द्रौपदी चौबे ने भी भेजा है, ठीक है? चार पीपल, फोर पीपल हैव सेंट मी द होमवर्क. और शीला जी ने ऐसे ब्लैंक भेजा है, मुझे लगता है. ओके ओके, सो उनके सबके लिए क्लैप कीजिए. ऐसे ही होमवर्क करते रहिए. थैंक यू सो मच फॉर डूइंग द होमवर्क. और सबने एक ही जगह पे गलती की है, तो मैं बोर्ड दिखा रही हूँ आपको. यहाँ पे देखिए, सबने यहाँ पर ये 9 और 10 में, मैंने क्लियरली कल ही बोला था, जब डायग्राफ रहेगा तब आप CH जो साउंड है, डायग्राफ है, तो आप एक ही बॉक्स में लिखोगे. इसलिए मैंने यहाँ पर बॉक्स को कट कर दिया है, मैंने बोला था आपको, ठीक है ना? अब बॉक्स दिख रहे हैं आपको बराबर, देखिए. तो मैंने बोला था यहाँ पर, देखिए ये जो है नाइन्थ डाउन में आप सबने गलती किया है. देखिए नाइन्थ डाउन में यहाँ पर देखिए, ड्राइंग में मैंने क्या लिखा है, एरो मार्क, यहाँ पे चिन्ह के लिए मैंने दिखाया है चिन्ह, ये चिन्ह है, चिन्ह चिन्ह. तो यहाँ पर कैसे आएगा, ये CH इधर आएगा, IN चिन्ह. और फिर 10th में अक्रॉस क्या है, अक्रॉस क्या है, ये नोस है. तो ये बहुत लोग ने यहाँ पर ही गलती किया है, NOSE, नोस. ओके, मैंने करेक्शन करके भेजा है बहुत लोग को. सबने क्या किया, बहुत लोग ने क्या किया है कि कॉलम ऐसे अपने आप बढ़ा दिया है. यहाँ पर 3 ही है, तो किसी किसी ने ऐसे 4 बना के ऐसा लिखा है, और किसी ने ऐसा नोस नहीं लिखा, बहुत लोग ने अलग ही कुछ लिखा है, ठीक है ना? तो यहाँ पर नोस है, और यहाँ पर 3 ही कॉलम थे, यहाँ पर एक ही, ताकि आपको ये जो नॉर्मल क्रॉसवर्ड में, नॉर्मल क्रॉसवर्ड में आप क्या करोगे, आप ऐसे ही अलग ही लिखोगे. मगर ये फोनिक्स क्लास है ना स्टूडेंट्स, तो मुझे आपको ये सोच, CH जो है एक ही साउंड है, बताने के लिए मैं बोल रही हूँ एक ही बॉक्स में लिखे. इस तरफ वाला क्या आया, बेंच आया. इस तरफ वाला क्या आया, बेंच. तो बहुत लोग ने कैसे लिखा था, यहाँ पर ऐसे लिखा था, बेंच लिख दिया, और यहाँ पे सी के लिए नहीं आ रहा था, तो खुद कॉलम यहाँ पे बना के, एच में कुछ तो लिखा था किसी ने, यहाँ पे किसी ने ऐसा लिखा था, फिर एच के लिए कुछ तो लिख दिया था, और यहाँ पर भी कुछ भी लिख दिया था. तो ऐसा नहीं करना था, तो है आप ध्यान से देखने का कितने बॉक्सेस हैं. अगली बार और एक पजल दूंगी, मगर पजल अभी ड्राइंग करके नहीं दूंगी, सेंटेंस दूंगी, रिडल जैसे आपको सेंटेंस दूंगी, आपको वो अक्षर फाइंड आउट करना है. ओके, और बनाएंगे न्यू पजल, आपने बनाया है तो भेजिए. आपने बनाया है आई मेक, मैम न्यू पजल आई मेक, वेरी गुड, जरूर भेजिए मुझे, तो वो क्लास में शेयर करके हम सबको बोलेंगे करने के लिए, ठीक है ना? वेरी गुड वेरी गुड, बेबी शाह ओके मैम बोले हैं. ओके वेरी गुड वेरी गुड. ओके ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. ओके, नोस नहीं दिख रहा था. ओके नो प्रॉब्लम. ओके वेरी गुड. न्यू पजल. ओके, प्रीति जी ने बोला है नया पजल मैंने बनाया है, आपको मैं भेजूंगी. हाँ भेजिए प्रीति जी, भेजिए, जरूर भेजिए. और पजल में ध्यान रखिए, जब भी आप डायग्राफ यूज कर रहे हो तो उसका एक ही बॉक्स छोड़े आप, ठीक है? तो अभी नया रूल दे जाएंगे आज. हम ई का देख रहे हैं, तो ई और एक जगह पे साइलेंट रहेगा. जब भी आपको ज साउंड सुनाई दे रहा है ना, ज साउंड, तो तब आप क्या करोगे, डी जी ई लास्ट में जाए, और जी कैसे मैं बताती हूँ, देखिए. अभी अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे रखी, हम कल बताया था आपको, पेज पेज. ओके, तो पेज ये कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा पेज. यहाँ पे ए क्या साउंड निकल रहा है, ए, पेज, तो लॉन्ग है शॉर्ट है,
पैज नहीं बोल रहा ना, तो पेज है, तो ये ए का क्या है, लॉन्ग साउंड निकाल रहा है, तो जब भी आपको यहाँ पे लॉन्ग साउंड निकालेगा वॉवल या कोई कॉन्सनेंट रहेगा तब आप जी डालोगे, और जब भी आप यहाँ पे शॉर्ट साउंड निकालेगा वॉवल, जैसे कि ये है देखिए लॉज, ये लॉज क्या है, शॉर्ट वॉवल है, शॉर्ट वॉवल है लॉज, ये हुआ आपका, ये हुआ ट्राइग्राफ और ये हुआ आपका डायग्राफ, ये दो साउंड्स हैं एक्चुअली, मगर ये ट्राइग्राफ के हिसाब से हम आपको बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे दो अक्षर, तीन अक्षर हैं, यहाँ पे दो अक्षर हैं, ये हुआ लॉज, फिर और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बैज, यहाँ पे देखिए ये एक ही साउंड है, ये एक ही साउंड है, देखिए ब एज, ज, ज का साउंड जब लास्ट में आता है, कोई भी अक्षर इंग्लिश में यू वी और जे में खत्म नहीं होगा, एंड में देखोगे तो वर्ड्स में यू वी जे से खत्म नहीं होगा, इसीलिए ज का साउंड जब भी आप लास्ट में सुनोगे या तो डी जी डालोगे या तो जी डालोगे, कब डी जी डालोगे, जब आपको शॉर्ट वॉवल का साउंड सुनाई दे और जब लॉन्ग वॉवल का साउंड सुनाई दे तो आप डालोगे जी, क्लियर? आपने देखा है क्या कोई भी जे से एंड होते हुए वर्ड? ओके यस, किरण वर्मा आपने भेजा है क्या? मैंने आपका नहीं देखा, मे भी मुझे अभी तक आया नहीं, मेरा कैसा है करके आपने पूछा है, और एक बार भेजिए चाहिए तो, आई डिडंट गेट योर थिंग, ओके सो ये लॉ लॉ लॉज बैज और हेज लेज, ये सब देखिए एक ही वर्ड्स हैं देखिए, और ये सब ए ए ए साउंड निकल रहा है, ई नहीं बोल रहा है, तो यहां पर आएगा, और यहां पर अभी देखेंगे, देखिए अभी पेज ए लॉन्ग वॉवल बोल रहा है, देखिए एज, यहाँ पे पेज विलेज विलेज, स्टेज स्टेज, ओके खेज केज, सो सब जगह यहाँ पर लॉन्ग वॉवल है इसलिए जी डाल रहे हैं हम लोग, ओके यस, भारती देवी आपको मैंने भेजा है ना, भारती देवी जिसका भी मुझे मिला मैंने उसका करेक्शन करके भेजा है, जिसका नहीं मिला मैंने ने करेक्शन नहीं किया है, जो सबको मिला होगा मैं मानती हूँ, जो जो जिसने भेजा है मुझे, जिसका भी मुझे मैसेज मिला, ओके बोर्ड दिख रहा है बच्चों आपको? हाँ ओके ऑलराइट, क्लास में फोकस कीजिए, अगली बार भेजते रहिए ऐसा, ऑलराइट ये समझ में आ गया ना आपको अभी मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, तो डी जी जो भी है आपको कब डालोगे, जब आपका वॉल जो है, वॉल वॉल वॉवल नहीं बोलने का, वॉल वॉल, जो आपका वॉल जो है शॉर्ट में रहेगा, यानी कि उसका क्या बोल रहा है, साउंड निकाल रहा है, आपको शॉर्ट लॉन्ग में कंफ्यूज हो रहा है तो ऐसे याद रख लीजिए, जब वॉल जो है अपना साउंड निकालेगा तो आप डी जी ई डालोगे, जब जो वॉल जो है अपना नाम बोलेगा या तो कोई कॉन्सनेंट है तो फिर आपको, अभी कॉन्सनेंट का एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम लोग, जैसे कि र एंज, र ए, यहाँ पे देखिए ए निकाल रहा है, ए लॉन्ग वाउल, र एंज रेंज, ओके र एंज, वापस ये रेंज का स्पेलिंग ही है मगर आगे क्या लग गया, कॉन्सनेंट ब्लेंड, दो कॉन्सनेंट साथ में आते हैं तो मैंने क्या सिखाया था, कॉन्सनेंट ब्लेंड, अगर सैटरडे आपका क्लास रहेगा तो मैं आपको एमसीक्यू पूछूंगी, ऐसा सब पूछूंगी, व्हेन टू वॉवल्स आर वॉकिंग द फर्स्ट वन डैश, फर्स्ट वन डज द टॉकिंग, ऐसा करके आप लिखोगे, फिर ऐसे जैसे है टू कॉन्सनेंट साथ में आते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सनेंट ब्लेंड बोलते हैं, ऐसा सब हम आपके क्वेश्चन पेपर हम तैयार करेंगे, ओके तो याद रख लीजिए ये सब चीजें जो है, और डी जी कब लगेगा, ई जी कब लगेगा, टी सी एच कब लगेगा, सी एच कब लगेगा, ऐसे सब मैं सवाल पूछूंगी, तो रूल्स ध्यान से लिख लीजिए, ऑलराइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड और ऑल दिस यू विल गेट टू नो इजिली व्हेन यू पुट योरसेल्फ इन प्रैक्टिस,
इफ यू डोंट प्रैक्टिस यू विल फॉरगेट इवेंचुअली. ऑल राइट, इफ यू डोंट प्रैक्टिस व्हाट यू विल व्हाट विल हैपन, यू विल फॉरगेट. ओके, सो प्लीज काइंडली प्रैक्टिस एवरी डे द रूल्स एंड कीप राइटिंग न्यू न्यू वर्ड्स. ओके, अगला जाए हम. ये देखिए यहाँ पर और लिख रहे हैं, ल आर्ज, लार्ज. ये देखिए कॉन्सोनेंट है, जी लिखा है, ल आर्ज, लार्ज. ओके, इफ यू गेट टू नो राइट मोर वर्ड्स प्लीज राइट एज. यहाँ पे देखिए एज, एज माने कोना, कोना जो होता है एज में मत रखो करके एज. यहाँ पे इसका साउंड निकाल रहा है तो इसलिए हम यहाँ पर डी जी लगा रहे हैं, ये एक ही साउंड बन गए एज, ज ज ज. ह्यूज, यहाँ पे यू जो है अपना लॉन्ग साउंड निकल रहा है, यू, ह्यूज. हज, हज करके नहीं पढ़ते हम, ह्यूज. ह्यूज ग्रज, ग्र अज, ग्रज. आ आ अम्ब्रेला, आ साउंड निकाल रहा है ग्र, ये कॉन्सनेंट ब्लेंड है, ग्र आ ज, ग्रज. मज, ये कॉन्सनेंट ब्लेंड है, दो कॉन्सनेंट साथ में आ रहे हैं, स्म, स्मज, मिटा मिटा नहीं का स्मज. ग्रज यानी किसी के ऊपर घृणा रखने के, तो वाई आर यू हैविंग ग्रज अगेंस्ट हिम, सबके साथ प्रेम भाव के साथ रहो, क्यों ग्रज रखते हो करके. ग्रज किसी के वही बात बार बार माइंड में रख के उसके हो इरिटेट होना को ग्रज. स्मज, ये सब आपको गूगल ट्रांसलेट आता है तो मैं इंग्लिश में हिंदी का वर्ड लिख के समय आपको बर्बाद नहीं करना चाह रही हूँ, तो इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ ग्रज माने क्या है, लिटरली मीनिंग ऐसे समझा रही हूँ वर्ड्स, नॉर्मल वर्ड्स में. स्मज, ऐसे ये अगर ऐसे हो गया तो ये स्मज हो गया, पानी डल गया इसके ऊपर तो ऐसे मिट गया तो स्मज हो गया, उसको ही स्मज बोलते हैं. ओके, तो ऐसे ब्रिज और भी वर्ड्स है, मैं यहाँ बोर्ड रब कर रही हूँ. ब्रिज, बर इ ज, ब्रिज. फर इ ज, फ्रिज. सब ई, सब जगह यहाँ पे क्या है, वबल जो है अपना साउंड निकाल रहा है इसलिए हम डी जी डाल रहे हैं. ब्रिज, फ्रिज. वेज, वेज पोटैटोस, वेज कहाँ कहाँ बोलते हैं, वेज जो है पोटैटोस, वेज पोटैटोस वेज बोलते हैं. और दूसरा वेज जो है हील्स में भी, ऐसे बॉक्स हील होता है तो उसको भी, जूता, जूता में ऐसे बॉक्स हील आता है तो उसको भी वेज, वेज सैंडल्स बोलते हैं, वेज. ये वेज और ये वेज अलग है, ये वेज यानी कि शाकाहारी नहीं है, वो क्या बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन ऐसे बोलते हैं ना, तो वो वाला वेज है. ये वेज जो है, ये वेज जो है अलग है. वेज ज अज, ज अ ज, जज. ओके, आई थिंक आई हैव गिवन यू इनफ एग्जाम्पल्स, क्लियर. और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं मगर आप इतना याद रख लीजिए, जो भी आपको आप पढ़ते जाओगे तो आपको ये कहीं भी दिखेगा डी जी तो आप ज पढ़ोगे, तो जब भी डी जी दिखेगा तो क्या पढ़ोगे, ऐसा नहीं पढ़ोगे फर ई ड ज ग, फर ई फ्री ड ज ग, कुछ तो बन जाएगा फिर और, है ना. इसको देखिए हम नॉर्मल साउंड में पढ़ के देखते हैं, ए ड ग ए, नहीं बन रहा है वर्ड, एडग बन रहा है, तो कैसे पढ़ने का, डी जी आया तो क्या पढ़ने का, ज. तो ए ज, इधर सिर्फ टू साउंड्स हैं मगर कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4, फोर अल्फाबेट्स हैं मगर दो साउंड ही हैं, देखिए यहाँ पर. क्लियर, क्लियर है तो थम्स अप कीजिए. किसी को समझ में नहीं आया ये कुछ बात, समवन इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, सबने थम्स अप दिया, साक्षी मौर्य, प्रीति, एवरीवन आर सेइंग यस दे आर एबल टू गेट इट. अदर्स कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कोई शर्माने की बात नहीं है, पूछिएगा, डाउट पूछने से ही होता है. ऑल राइट, शैल आई गो टू द नेक्स्ट.
रब द बोर्ड। अभी इससे सेंटेंस बनाए, हम बना के भेजिए, देखो चैट बॉक्स में भेजिए, इतने वर्ड्स बनाए हैं आपने, आप बनाइए, साइट वर्ड्स भी दिए हुए हैं आपको, सब मिलके बनाइए, देखो। क्या बनाएंगे? ओके बनाइए। कौन बना रहा है सेंटेंस, या मैं ही बनाऊं? इसको पढ़िए पढ़िए, देखो। फर्स्ट सेंटेंस, ये साइट वर्ड है। हाँ, एस हैज अ बिग फ्रिज, और ये जो है ज बन गया, फ्रिज। ही हैज अ फ्रिज। माई विलेज इज बागवनपुर। वेरी गुड प्रीति जी, वेरी गुड। विलेज वर्ड यूज किया है उन्होंने, देखिए यहाँ पर उन्होंने लिखा है माई विलेज, यहाँ पर देखिए व इ ल, एज एज, ए यहाँ पर लॉन्ग वॉवल निकल रहे, इसलिए उन्होंने जी डाला है। विलेज इज, आपका जो भी आपका विलेज हो आप लिख सकते हो यहाँ। उन्होंने लिखा है बागवनपुर, ऐसे लिखा है। तो ये कैपिटल में कर दीजिए प्रीति जी, जब भी आप जगह का नाम लिख रहे हो तो कैपिटल में लिखना चाहिए। ऑल राइट right? ये माई जो है साइट वर्ड है, यहाँ तो ऐसे भी याद रख सकते हो। अभी आपको मालूम है वाई जो है लास्ट में आएगा तो आई का साउंड करेगा करके हमने पढ़ा था, तो इसलिए म आई, माई माई। और कौन कौन लिख रहा है? हाँ सब लोग अभी लिख रहे हैं, महमूद महमूदपुर वाराणसी, ऐसे लिखा है अंजलि सोनी ने। और कुछ लिखिए सेंटेंस, अभी माई विलेजेस हो गया, अभी और कुछ सेंटेंस लिखिए। लिखिए, इसको पढ़िए, ये हमने सिखाया हुआ है। टीएच जो है डायग्राफ है, कभी थ का साउंड निकाल रहा है, कभी द का साउंड, द एट दैट ब इर ई ज ब्रिज इस लॉन्ग ऑंग लॉन्ग। आई वॉन्ट टू स्टेज फियर, अभी आंचल जी ने लिखा है यहाँ पे आई वॉन्ट टू स्टेज फियर। ये सेंटेंस जो है वो क्या बोलना चाह रही है मुझे समझ में आ रहा है, मुझे स्टेज फियर से बाहर निकलना है करके वो बोलना चाह रही है, मुझे लगता है आंचल जी यही बोलना चाह रहे हैं। मगर ये जो सेंटेंस है ग्रामेटिकली रॉन्ग है, मगर स्पेलिंग्स जो है करेक्ट है। ये जो ग्रामर यहाँ पे रॉन्ग है, आई वॉन्ट यानी मुझे चाहिए स्टेज का फियर, मुझे स्टेज का फियर चाहिए करके आप बोल रहे हो, ये गलत इंग्लिश होगा। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ यानी कि आपको उससे बाहर आना चाहिए। ओके तो आई वॉन्ट, अगर वॉन्ट का इस्तेमाल करना है तो टू गेट रिड ऑफ स्टेज फियर, ऐसे लिखोगे आप। आपको इसको रिड ऑफ यानी टू गेट रिड ऑफ यानी कि आपको उससे बाहर निकलना है, वो नहीं दिख रहा है। दिख रहा है अभी? यस ओके। तो आप ऐसे लिखोगे माई पेज इज स्ट्रॉन्ग पेपर, किसी ने लिखा, अंजलि सोनी ने लिखा है माई पेज इज स्ट्रॉन्ग पेपर। स्पेलिंग जो पेपर का है गलत है, और सेंटेंस भी ग्रामेटिकली रॉन्ग है, बाकी सब स्पेलिंग करेक्ट है। पेपर का स्पेलिंग प आ ए ए, टू वॉवल्स आ रहे हैं ना बेटा, टू वॉवल्स है ना, तो ये अपना नाम बोलेगा ना, ए साउंड आ रहा है। देखिए पेपर आपने लिखा है पेपर, ओके गुड गुड, सब लोग बहुत ब्लेंड करके लिखने की कोशिश कर रहे हो, वेरी गुड। तो ऐसे ही जैसे ही वर्ड्स आपको मिलते हैं उसका सेंटेंस बनाना शुरू कीजिए। ओके स्टार्ट मेकिंग सेंटेंस, यू विल इवेंचुअली लर्न इंग्लिश।
मुझे आपको बैठ के एनिमल्स का नाम, बर्ड्स का नाम सब सिखाने की जरूरत नहीं है। आप खुद अगर सेंटेंस लिखना सीख जाओगे, अगर आपको कोई, मान लीजिए कि आपको ये जो बड़ा पक्षी रहता है, हम इंग्लिश में ऑस्ट्रिच बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, ऑस्ट्रिच को, अगर हिंदी में जो आपको ये मालूम है, अगर इंग्लिश में मालूम नहीं, तो आप हिंदी में टाइप करके गूगल में उसका क्या है वर्ड आप निकाल सकते हो, पर सेंटेंस कैसे बनाने का और उसका स्पेलिंग कैसे लिखने का वो अब सीख जाओगे। तो ये सब आपको आजकल गूगल ट्रांसलेट है तो इजिली आप संभाल लोगे कि इसका इसमें इंग्लिश में इसका, मगर उसके लिए गूगल ट्रांसलेट है करके अपना वोकैबलरी बढ़ाना बंद मत कीजिए, क्योंकि जब आपको किसी के सामने बोलना है तो गूगल थोड़े करके बोलोगे, ठीक है ना। वेरी गुड, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। तो आज हमने क्या रूल सीखा था कि डी जी और जी का रूल सीखा था हमने। ओके, सो बहुत बच्चे जब फोनिक्स सीखते हैं इनिशियली ब्रिज का स्पेलिंग लिखने के, तो बोले थे ऐसे ही लिखेंगे ब ई र इ ज, ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ज क्या है, जी का, जे का साउंड ज है, ऐसे ही लिखेंगे। तब हमको उनको समझाना चाहिए कि ये जो ज है लास्ट में एंड नहीं होता है, तो हमको उनको ये लिखना चाहिए, बताना चाहिए कि डी जी ए और जी का रूल। आप कैसे सिखाओगे किसी को, जैसे ब्रिज आ रहा है तो ऐसे नहीं लिखने का, क्योंकि अभी यहाँ पर डी जी क्यों डाला, ई जी क्यों नहीं डाला, क्योंकि जो ई जो है क्या है अपना साउंड निकाला, अपने साउंड जब भी स्लैश के अंदर डालोगे तो साउंड, या तो फिर ऐसे लिख सकते हो आप। ओके, ये सब मिला साउंड निकाल रहा है, और यहाँ पर जो साउंड नहीं निकाल रहा है, यहाँ पर ये जो है अपना साउंड नहीं निकाल रहा है, लॉन्ग वॉवल है, इसीलिए इसको हम जी ही डालेंगे, वैसा भूलिए मत। ऑल राइट, चलिए तो आज के लिए इतना ही, और भी सेंटेंस लिख के आइए, और कुछ डाउट्स है तो आप जरूर पूछिएगा मुझसे अभी। कार्तिक सर, यू कैन अलाउ अनम्यूट सर। यस, आपका, आप एक एक करके अगर कुछ डाउट है तो माइक अनम्यूट करके बात कीजिए। यस संगीता जी, यू वांट टू से समथिंग? यस, डू यू वांट टू से समथिंग? हाँ यस संगीता जी, योर व्हाट, यू आर नॉट ऑडिबल, कैन यू प्लीज टेल मी? यस संगीता बोलिए, संगीता देवी। मैम क्या बोलना है? क्लियर है, क्लियर है, बोलिए। हाँ संगीता देवी, कुछ है बोलना है तो बोलिए। नो मैम, नो मैम, ओके, यस, एनीवन एल्स हैज एनी डाउट? ओके, माय पेज 38 ईयर ओल्ड, क्यों माय एज? ओके, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। ओके, माय एज इज 38 ईयर्स ओल्ड। ओके, आई एम 38 ईयर्स ओल्ड और माय एज इज 38। एज बोलने के बाद वापस 38 ईयर ओल्ड लिखने की जरूरत नहीं है। अंजलि सोनी जी, यस, मैं देख रही हूँ बहुत कोई कम लोग ही हैं जो चैट बॉक्स में लिखते हैं, जो आंचल है, अंजलि सोनी, बेबी शाह और संगीता देवी, ऐसे थोड़े हैं बहुत। बाकी लोग कुछ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, क्यों? आंचल, साधना जी, आप कुछ बोलते नहीं हो, साक्षी मौर्य, आप कुछ बोलते नहीं हो, क्यों? सबको पार्टिसिपेट करना है। रुक्मिना, रुक्मिना आपका नाम लिया है क्या? तो आप लोग सब कुछ पार्टिसिपेट नहीं करते हो, क्यों? यस, तो सब लोग भी पार्टिसिपेट कीजिए चैट बॉक्स में, आपका जो भी आप टाइप कर सकते हो आप टाइप करके भेजिए और होमवर्क करके भेजिए। तो किसने भी अपना खुद का पजल बनाया है तो बनाइए। आज का डीजी वर्ड अगर आप कर रहे हो, मान लीजिए कि आपको स्मज लिखना है, तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे ही बॉक्स बनाओगे, या फ्रिज लिखना है तो इस फ्रिज का एक बॉक्स ही बनाओगे, क्योंकि क्या है वो एक साउंड है, ऐसे फ्रिज एक ड्रॉ करोगे। अब इधर ये समझो, मानो आपको फिश लिखना है तो यहाँ पर आप ऐसे ही ड्रॉ करोगे फिश, ये फ्रिज बन गया, ये फिश बन गया यहाँ पर। अब यहाँ पर कितना शॉप बन गया, शॉप दुकान रखना है, दुकान या शिप रखना है, एक शिप रखना है तो यहाँ पर शिप, यहाँ पे फिश ड्रॉ करोगे और यहाँ पर शिप ड्रॉ करोगे।
ऐसे मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको कि आप ऐसे बना सकते हो, यहाँ पर फिश शिप ड्रॉप कर सकते हो या फ्रिज, देखिए आपके सामने अभी मैंने बनाया है, फ्रिज बन गया, यहाँ पे ये बन गया, तो ऐसा ठीक है। तो प्लीज ट्राई एंड मेक मोर एंड मोर पजल्स, ऐसे बनाओगे पजल तो मजा आएगा और स्पेलिंग्स भी इजिली सीखने को मिलेगा, कितने साउंड्स है एक एक स्पेलिंग में भी आपको आ जाएगा। ऑल राइट, तो आज के लिए इतना ही, जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, थैंक यू गर्ल्स। थैंक यू मैम।